हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी ने सेलफोन ट्रेसिंग और लोकेशन ट्रेसिंग के बारे में सुना ही होगा। जब भी आपका मोबाइल फोन कभी गिर जाता है, खो जाता है, या फिर कोई चोरी कर लेता है, या फिर कोई चोर आपके फोन को चुरा लेता है, तो आप इसकी कंप्लेन जो है पुलिस स्टेशन जाकर करते हैं और पुलिस में जो है आपके सेलफोन का जो है IMEI नंबर आपको मांगता है। तो दोस्तों, आखिर पुलिस ये सेलफोन के IMEI नंबर से, एक IMEI नंबर से आपके लोकेशन को ट्रेस कर लेता है, उस सेलफोन के लोकेशन को ट्रेस कर लेता है, पुलिस का भी पता लगा लेता है और पुलिस उस चोर को पकड़ लेता है। आखिर ये सारा चीज़ पुलिस जो है एक IMEI नंबर से कर लेता है। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज़ हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये IMEI नंबर क्या होता है। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये हर मोबाइल फ़ोन का एक जो है यूनिक आईडी होता है। जितने भी सेलफोन होते हैं दुनिया भर में, उस हर सेलफोन का एक यूनिक आईडी होता है, जिससे कि उस सेलफोन की आइडेंटिटी हो पाती है कि ये सेलफोन एक इस आईडी के फॉर्म में रहता है और ये सेलफोन एक यूनिक है, इसके पता चल जाता है। तो दोस्तों, इसका आप पता अपने मोबाइल फोन में अगर डायल करते एक नंबर *#06 है, तो आपको अपने मोबाइल फोन का IMEI नंबर जो है यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, इस तरीके से जो आप हैं अपने मोबाइल फोन का IMEI नंबर पता कर सकते हैं। और दोस्तों, तो सबसे पहले चीज़ जैसे अगर आपने सोचा होगा कि आखिर IMEI नंबर से पुलिस कैसे हमारे मोबाइल के लोकेशन को ट्रेस कर लेती है इतने आसानी से, थोड़ा हम इसे रियल लाइफ के एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जब भी हमारा मोबाइल फोन कभी चोरी हो जाता है, तो हम अपने जाते हैं कंप्लेन करने के लिए पुलिस के पास। तो पुलिस हमारे मोबाइल फ़ोन का जो है IMEI नंबर हमें मांगता है, और जो हम उसे पुलिस को अपने IMEI नंबर अपने फ़ोन का बता देते हैं। उसके बाद पुलिस जो है इस IMEI नंबर को जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स होते हैं उन सभी को, जैसे कि आइडिया, एयरटेल, BSNL, जियो, जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उन्हें ये नंबर IMEI नंबर दे देती है, और वो इसे निगरानी में रख देते हैं इस IMEI नंबर को, जिससे यानी कि सर्विलेंस में रख देते हैं, उसे ट्रेस करने लग जाते हैं उस लोकेशन को, उस चोर का और जिस यहाँ पे आपका मोबाइल फ़ोन है वहाँ का, तो यहाँ से ट्रेस करने के लिए लगा देती है। दोस्तों, जब भी अगर आपका कोई भी मोबाइल फ़ोन अगर कोई यूज़ करता है, या फिर कोई भी चोर अगर आपके मोबाइल फ़ोन को यूज़ करता है, उसमें कोई भी सिम कार्ड एंटर करता है, तो आपके मोबाइल फ़ोन का जो IMEI नंबर है वो उस टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जो है आपका जो पता चल जाता है, उसे उस लोकेशन उसे पता चल जाता है उस मोबाइल फ़ोन का कि आपके मोबाइल फ़ोन कहाँ पर है, किस लोकेशन में है, और वो पुलिस को बता देता है कि इस लोकेशन में ये सेलफोन है इस वक्त, या वो चोर इस वक्त इस लोकेशन में, ये पुलिस को बता देता है। पुलिस जा करके उस चोर को पकड़ लेती है। वही पकड़ने के लिए यहाँ पे पुलिस क्या करती है, आपके सेलफोन का कोई भी एक लोकेशन होगा, जिसके लोकेशन के आसपास जितने भी नेटवर्क होते हैं, टावर बोल सकते हैं, नेटवर्क टावर, उसका यूज़ करती है। यहाँ पे ट्रायंगुलर मेथड का यहाँ पे यूज़ करती है। इस मेथड में नेटवर्क के जितने भी टावर होते हैं वो आपके सेलफोन को कवर करते हैं। सेंटर में आपका सेलफोन होता है, तो वहाँ से पुलिस जाती है और जा करके उस सेलफोन को पकड़ लेती है और चोर को भी धरबोच लेती है पुलिस। और इस कंडीशन से आपका मोबाइल फ़ोन जो है आपके मोबाइल फ़ोन आपको मिल जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई चोर अगर आपके सेलफोन को स्विच ऑफ कर देता है, या फिर कुछ उसमें सिम चेंज कर देता है, उस सिम को निकाल कर फेंक देता है और दूसरी जगह में चले जाता है, तो पुलिस को उस चोर का जो लास्ट लोकेशन है, या फिर मोबाइल फ़ोन का लास्ट लोकेशन यहाँ पे पता चल जाता है, और पुलिस इस तरीके से उस लास्ट लोकेशन का पता लगा कर भी चोर को पकड़ लेती है। तो दोस्तों, इस तरीके से पुलिस जो है आपके सेलफोन का पता लगाती है, उस चोर का पता लगाती है, तो आप समझ चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नया चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिए, इस वीडियो को कमेंट कीजिए। मिलते हैं ऐसी मजेदार और बेहतर जानकारी के साथ। गुड बाय।